रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुलपति को हटाने धारा 52 लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया से अन्य कई टेंडर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने चहेतों को दे रहा है। विश्वविद्यालय में बम फेंके जा रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज जबलपुर भारतीय राजकीय छात्र संगठन के द्वारा लंबे समय से चल रहे विश्वविद्यालय में आरएसएस, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से लोग टेंडर प्रक्रिया के बहाने काम लेते हैं, विश्वविद्यालय में बम चलते हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली रिजल्ट प्रणाली में बार बार घोटाले होते हैं। लंबे समय से एनएसयूआई के हमारे छोटे भाई प्रतीक गौतम सक्षम यादव के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कुलपति ऐसी भ्रष्टाचार की नींद में सो गए हैं कि वो कुंभकर्ण बन चुके हैं, वो उनके उठाना नासंभव है। आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जबलपुर भाषी राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का घेराव हुआ, परंतु पुनः जिस तरीके से हर बार छात्रों की नेताओं की आवाज़ धूमिल की जाती है, यहाँ शिवराज के गुंडे खड़े किए गए थे वर्दीधारी में, या पुलिस वाले ने, ये सीधे सीधे शिवराज के गुंडे हैं। जिस तरीके से ये शिवराज के लिए काम करते हैं, छात्र नेताओं को बार बार उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आज धारा 52 की लागू को मांग के लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों ने लाठी चार्ज किया है कि एक भी छात्र नेता इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है, आगे भविष्य में भी खून का कतरा ही बढ़ाना पड़े, लेकिन जब तक धारा 52 लागू नहीं होता है तब तक ये जंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। रघु तिवारी, सदस्य मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। ये आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का एक घेराव प्रस्तावित था, इसके लिए समुचित पुलिस बल मुनासिब हिदायत के साथ लगाया गया था। एनएसयूआई के करीब 100-150 कार्यकर्ता विद्यार्थी जो है वो यहाँ आए और बलपूर्वक घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोका गया, लेकिन उनमें से कुछ तत्वों ने अनावश्यक जो है बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया, जिन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। उनमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ अवांछित तत्व भी उनमें मौजूद थे और यहाँ से उनको बलपूर्वक खदेड़ा गया है सिविल लाइन तरफ। उनको कुछ चोट आई है, यहाँ जाली पर चढ़ने के प्रयास में कुछ लोगों की उंगलियों में लगा है और उन्हें खदेड़ने के प्रयास में भी कुछ लोगों को चोट आई। हाँ, मुझे एक हाथ में हल्की फुल्की कहीं लगा है, तो खदेड़ने के दौरान लगा हुआ बस।